सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संकेत, आप देख रहे हो मोइजीन और आज हम बात करने वाले हैं हेलो के एपिसोड 3 के बारे में। इसके पहले दो एपिसोड आपने अगर नहीं देखे तो आई बटन पे मिल जाएगा या चैनल पे भी अवेलेबल है, नीचे जाके आप देख सकते हो इजी वे में। तो चलिए करते हैं हेलो का सीजन 1 एपिसोड 3 का एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत होती है ओबान प्लैनेट से, जहाँ पर यूएनएससी वाले वहाँ के लोगों को जबरदस्ती काम करवाने लग रहे हैं। एक तरह से गुलाम बना के भी इन लोगों को रख दिया है। तब हम वहाँ पर किड मैकी को देखते हैं, जिसके साथ उसका दोस्त भी होता है, जो कि बातचीत कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर यूएनएससी के लोग आ जाते हैं, जो इन दोनों को काम करवाने के लिए पकड़ रहे हैं। ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तभी इसका जो दोस्त है उसे वहाँ पर यूएनएससी वाले मार गिराते हैं, और उसके बाद यूएनएससी वाला वो मैकी को मारने ही वाला होता है। तभी उसके सामने आ जाते हैं वो एलियंस। ये एलियंस कुछ चीज़ों को ढूंढने के लिए आए हैं, लेकिन ये जो चीज़ है ये और कोई नहीं है, ये है मैकी। और इसी तरह से दोस्तों एलियन को मैकी मिली थी। अब पास से स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम मैकी को देखते हैं। ये एक्चुअल में इंसानों से बदला लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसका जो अजीज वाला दोस्त था उसे ही इन लोगों ने मार दिया था इस वजह से। तभी एलियन मैकी से पूछते हैं कि तुम किस तरह से उस कीस्टोन को लाओगी। तो वो कहती है कि मैं सबसे पहले मैड्रिगल में जाऊंगी, वहां पे उसको सर्च करूंगी, और मैड्रिगल से ही एक स्पिरिट था, एक डीमन था जिसकी आवाज़ मुझे आई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे वो कीस्टोन मौजूद हो सकता है। जो डीमन और कोई नहीं, वो है जॉन। और वो ये भी कह देती है कि मेरी लॉयल्टी साबित करने के लिए मैं उस डीमन को मार दूंगी। फिर हम यूएनएससी हेडक्वार्टर में मिरांडा को देखते हैं, जो वो की स्टोन्स की रिसर्च कर रही है। अब इसको की स्टोन के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता है कि ये कुछ वेपन टाइप में है और बहुत ही पुराना है। पेरनकोस्की उसके सामने आती है और मिरांडा को कहती है कि तुम एक टीम बनाओ और इसके बारे में रिसर्च करो और जानो कि आखिरकार ये डिवाइस कर क्या सकता है। फिर हम डॉक्टर हेजली को देखते हैं, जो कि आ चुकी है कोर्टाना को देखने के लिए। जो कोर्टाना एक्चुअल में इसका ही क्लोन बनाया गया है, जो कि गैर कानूनी तरीके से बनाया गया है, इसके पहले वाले एपिसोड में हमने सुना भी है। तो ये जो बनाया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, यानी AI है, इसके पास बहुत सारी जानकारी यूएनएससी से है, और जो जानकारी यूएनएससी के पास है वो इसके अंदर पहले से ही मौजूद होती है। और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की वजह से इसको वो स्पार्टन्स के अंदर स्विच करने वाली होती है, यानी इसकी जो चिप है वो सीधा सीधा वो जॉन के दिमाग में डालने वाली होती है। फिर डॉक्टर आती है जॉन के पास। जॉन को कहती है कि ये एक अपग्रेड है, तुम्हें स्पार्टन से और ज्यादा अपग्रेड किया जाएगा। जॉन यहाँ पर अग्री हो चुका है। फिर ये प्रोसेस चालू हो जाती है, जिसमें उस क्लोन के अंदर का दिमाग है एक चिप में ले लिया जाता है और वो जॉन के अंदर फिट किया जाता है। जिस चिप के बाद वो जो इंटेलिजेंट सामने आता है उसका नाम वो लोग कोर्टाना रख देते हैं। डॉक्टर हेजली को यही चाहिए कि भाई वो जब जॉन कीस्टोन को हाथ लगाए तो जो भी कुछ रीडिंग्स आए, जो भी जॉन देख पाए, वो सारी बातें इन लोगों को बता पाए कोर्टाना। इस वजह से कोर्टाना को उसके अंदर इंजेक्ट किया हुआ है, और अगर कुछ जॉन ऐसी वैसी हरकतें कर दे तो कोर्टाना तो है ही संभालने के लिए, तो उसी वे में इसको इनबिल्ट किया है। ऊपर से डॉक्टर हेजली ने कोर्टाना को फुल एक्सेस नहीं दिया है जॉन का, हाफ ही एक्सेस दिया है ताकि कुछ चीज़ें जॉन के भी हाथों में रह पाए। फिर हम कुआन को देखते हैं, जो कि सौरन से जिद लगाई हुई है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी, ये दूंगी, वो दूंगी, जिस वजह से तुम मुझे यहाँ से लेके जाओ मैड्रिगल में। तो सौरन सीधा सीधा मना कर देता है, क्योंकि जॉन से उसने वादा किया है कि तुम्हारी रक्षा करना और तुम्हें जिंदा रखना मेरे को ही सौंपा गया है, इस वजह से मैं नहीं जाने दे सकता। फिर डॉक्टर हेजली जॉन को कोर्टाना से मिलाती है, और तब जॉन को कतई पसंद नहीं आता कि भाई कोर्टाना मेरे दिमाग पर हावी हो या फिर वो डिसीजंस ले। तब डॉक्टर हेजली उसे कहती है कि हाँ कोई बात नहीं है, लेकिन इसको इसलिए रखा गया है कि जब तुम जंग में जाओ तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन साबित हो, जो कि जंग जीतने का और एक जरिया तुम्हारे हाथ में हो। फिर हम स्पेस में यूएनएससी शिप को देखते हैं, जिनको एक अननोन स्पेस से एक स्पेसशिप आते हुए दिख रही है, जो होता है एलियंस का शिप। और तभी उनके सामने वो शिप आ जाता है। तभी रेडियो पर एक इंसान की आवाज़ आ रही थी उस शिप के अंदर से, जो कि मदद के लिए पुकार रही थी। फिर यूएनएससी वाले उसे बचाने की कोशिश करते हैं, खुद की शिप वहाँ पर भेजते हैं और उसे वापस ले आते हैं, जो कि होती है मैकी। और मैकी के साथ वहाँ पर एलियन भी आया हुआ है, जो कि एलियंस मिलके इनकी शिप के ऊपर के सारे लोगों को मार देता है, यानी यूएनएससी के शिप वालों को। फिर मैकी उस शिप के ऊपर ढूंढ रही है कि भाई जॉन का डेटा उसे मिल पाए कि आखिरकार जॉन कहाँ पर है, वो कीस्टोन कहाँ पर रखा गया है, लेकिन वहाँ पर उसको कुछ भी डेटा नहीं मिलता। फिर इधर डॉक्टर हेजली जॉन को उस कीस्टोन को छूने के लिए कहती है, जहाँ पर जॉन उसे छूता है और फिर से वो एक्टिवेट हो जाता है और वो सपनों की दुनिया में खो जाता है, जहाँ पर उसको रियल ड्रीम्स आ रहे होते हैं, जहाँ पर वो उसकी मॉम को देखता है, उसके कुत्ते को देखता है, उसके पिता को भी देखता है, साथ ही साथ वो कुछ ना कुछ ड्रॉ भी कर रहा है, ये भी हमें पता चलता है।
और इसी के बीच डॉक्टर हेजली कोर्टाना को उस डिवाइस को एक्सेस करने के लिए कहती है, लेकिन कोर्टाना उस डिवाइस को एक्सेस नहीं कर पाती। निष्कर्ष ये निकलता है कि जब भी जॉन खुद के दिमाग से उस चीज को हाथ लगाएगा तो ही वो चलेगा, अगर कोर्टाना उसे इस्तेमाल करेगी तो वो नहीं चलेगा। फिर जॉन आता है अपनी टीम से मिलने, सिल्वर टीम से वो मिलता है, और तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो मुझे पूछ सकते हो, जहाँ पर टीम कहती है कि हमको सब कुछ बातें पहले से ही पता है। तभी ना चाहते हुए भी कोर्टाना बीच में आ जाती है और खुद का इंट्रोडक्शन देने लगती है। ये जॉन को कतई पसंद नहीं आया है तो उसने कोर्टाना को वहाँ से जाने के लिए कह दिया है। फिर जॉन रात में कुछ सर्च कर रहा होता है, तभी कोर्टाना उसे पूछती है कि भाई तुम क्या सर्च कर रहे हो, मुझे बताओ ताकि मैं भी वो सर्च करने में तुम्हारी मदद कर पाऊँ। तब वो एक प्लैनेट ढूंढ रहा होता है जहाँ से सैटर्न की तरह वाली रिंग जमीन से यानी पृथ्वी से वो नज़र आ पाए, ऐसा एक प्लैनेट चाहिए, जहाँ पर वो 123 या 134 प्लैनेट्स निकालती है, जिसमें से 32 प्लैनेट्स या 22 प्लैनेट्स के ऊपर स्पार्टन्स पहले से ही जा चुके हैं। फिर उसके बाद उसे लगता है कि जो मेरी पीठ के पीछे एक चिप लगाई गई है जिससे कुछ भी फीलिंग्स उसको नहीं आती, उस डिवाइस यानी उस कीस्टोन को हाथ लगाने के बाद उसे वो सारी इमोशंस रियल लगने लगते हैं और उसको वो इमोशंस भी आते हैं। तो वो कोर्टाना से बात करता है और फिर वो जो डिवाइस है, वो जो चिप है उसकी पीठ के पीछे लगी हुई, वो उसको निकालने लगता है। जैसे ही वो निकाल रहा होता है तो यहाँ पर डॉक्टर हेजली को कोर्टाना रिपोर्ट करती है कि भाई वो चिप निकाल रहा है, जहाँ पर उसे निकालने के लिए कह देती है अपनी डॉक्टर हेजली। तो कोर्टाना उसकी मदद करती है और वो चिप निकलवा लेती है। फिर वहाँ से जॉन बाहर की दुनिया में जाता है, बाहर घूमता है, देखता है, इधर उधर की चीज़ों को महसूस कर रहा है, लव महसूस कर रहा है, साथ ही साथ म्यूजिक भी एंजॉय करते हुए नजर आता है। और ये पूरा एहसास उसके लिए बहुत ही नया फील और यूनिक फील देता है। तभी जॉन को याद आता है तो वो जल्दी से जाता है उस लैब में जहाँ पर कीस्टोन रखा हुआ है और सीधा उस कीस्टोन को पकड़ लेता है। और फिर वो कीस्टोन को एक्सेस करता है तो उसे ड्रीम्स दिखाई देते हैं, फिर से वो कुछ स्केच कर रहा है वो भी दिखाई देता है, उसके पापा बोल रहे हैं कि कुछ दफनाना है तो यहीं पे तुम दफना दो, ऐसी भी बातें उसे पता चलती है। जो वो ड्रॉ कर रहा था उससे ये बात पता चल जाती है कि ये कीस्टोन और कोई नहीं, इसका एक बड़ा सा भी हिस्सा है जो इस कीस्टोन के अंदर घुसेगा, जो कि उसने कहां पर रखा है। उस प्लैनेट का नाम तो उसे नहीं पता, लेकिन हाँ उस प्लैनेट के ऊपर थोड़ी सा उसका नजर तो चली ही जाती है उस ड्रीम सीक्वेंस के अंदर। तभी वो कोर्टाना से ऐसे प्लैनेट को ढूंढने के लिए कहता है कि जहां पर वो आइस रिंग्स जमीन से वो देख पाए, और उस पूरे प्लैनेट के ऊपर आइस रिंग्स है। ऐसे तीन प्लैनेट होते हैं जिसमें से एक प्लैनेट होता है टेडेनस 2 का नाम था उसका प्लैनेट का, जहाँ पर ये लोग अभी निकल चुके हैं, जिसकी मदद करने के लिए डॉक्टर हेजली भी उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। तब कोर्टाना उससे ये भी कहती है कि भाई ये प्लैनेट पहले से ही ऐसा नहीं था, जो प्लैनेट अभी तुम्हें डेड लग रहा है ये पहले हरा भरा था, यानी वहाँ पर इंसान भी थे, पक्षी भी थे और ट्रीज और बाकी सारी चीज़ें भी थी। ये कुछ टाइम के बाद वहाँ पर वायरस फैलने की वजह से वहाँ के लोग नष्ट हो गए हैं, या फिर कुछ लोगों को बचा भी लिया गया था। दूसरी तरफ क्वान सॉरेन से कहती है कि तुम अगर वहाँ पे मुझे लेके जाओ तो तुम्हें मैं ढेर सारा पैसा दूंगी, जहाँ पर सॉरेन रेडी हो जाता है और फिर ये दोनों निकल जाते हैं मैड्रिगल की तरफ। दूसरी तरफ जॉन और हेजली निकल जाते हैं अरेडोना 2 की तरफ। इसी के बीच डॉक्टर हेजली का जो असिस्टेंट है वो कहता है कि क्या हो अगर उस प्लैनेट पे जाने के बाद जॉन की पूरी मेमोरी वापस आ जाए और वो हम लोगों के खिलाफ हो जाए, या फिर उसको हम लोगों का रास पता चल जाए तो क्या होगा। तो हेजली कहती है कि कोर्टाना है वो उसे शट डाउन कर सकती है। और इसी के नोट पे यहाँ पर एपिसोड हो जाता है दोस्तों ख़त्म। ये एपिसोड अब तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और इसका फोर्थ एपिसोड भी जल्दी आपके लिए आने वाला है। 6th एपिसोड भी अभी रिलीज होने वाला है तो उसके भी बारे में हम बात करेंगे। ओवरऑल आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दो मूवीज इन चैनल को, क्योंकि आए दिन हम ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कंटेंट्स आपके लिए लेके आते रहते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज इन।